ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্ব ফোরাম উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব ভারতে বিনিয়োগের সুযোগগুলি অন্বেষণ করবে। ইউনাইটেড স্টেট ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম USISPF 20টি নেতৃস্থানীয় ইউএস কর্পোরেশনের সিইও এবং উদ্যোত্তর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল 2 নভেম্বর 2023 কার্শিয়ান এবং দার্জিলিং সফর করবে। প্রতিনিধি দলটি দার্জিলিং এবং উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব ভারতে বিনিয়োগের সুযোগগুলি অন্বেষণ করবে। চা শিল্প, পর্যটন এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত USISPF তথ্য প্রযুক্তি, আতিথেয়তা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে দার্জিলিংয়ের প্রচুর মানব সম্পদ সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়। একটি USISPF প্রতিনিধি দল সিকিম, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোতর সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে এই রাজ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করতে প্রস্তুত। আরও প্রতিনিধি দলটি দার্জিলিংয়ের রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর সেভি আনন্দ বোসের সাথে বিশেষ আলোচনার সুযোগ পাবে। ইন্ডিয়ার চেম্বার অব কমার্স উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগের সুযোগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই বিশিষ্ট শিল্প নেতাদের জন্য একটি ব্যাপক উপস্থাপনা আয়োজন করার পরিকল্পনা করছে। অনুষ্ঠানটি একটি নেটওয়ার্কিং সম্বর্ধনা এবং গোর্খা ল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন দ্বারা উপস্থাপিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে। জঙ্গিপুর থেকে তরিকুল শেখ, রিপোর্ট জঙ্গিপুর টিভি। नहीं तो यहाँ पे हमने कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट में और दार्जिलिंग में, नॉर्थ बंगाल में जो पोटेंशियल है उसका मतलब कैसे पूरा फ़ायदा उठाएं, और इस संबंध में ये जो डेलीगेशन है USCO, और शायद आपने सुना होगा कि जो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मुकेश आजी, उन्होंने कहा कि इनके 400 कंपनीज़ हैं और सभी कंपनीज़ फॉर्च्यून 500 के मेंबर्स हैं। इसका मतलब है इनके मेंबर्स टॉप दुनिया में टॉप कंपनीज़ हैं। तो इनके आने से इस रीजन का, हमारे रीजन का, दार्जिलिंग का, नॉर्थ बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी मतलब अटेंशन होता है। इस रीजन में, इस रीजन का जो पोटेंशियल है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हम मतलब उनके नज़र में ले आ रहे हैं। तो इसका कैसा मतलब आपने देखा होगा, चर्चा काफ़ी अच्छी रही आज, और प्रेजेंटेशन सिक्किम गवर्नमेंट के, असम गवर्नमेंट के, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुए, और इसमें जो कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाई कि यहाँ पे वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनके भी CSR एक्टिविटीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा बड़ा सफल रहा, और हमें, हमारे तरफ से हमने कहा कि आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स देख, आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक हो तो टूरिज़्म पोटेंशियल कैसे बढ़ सकता है। अगर एक हेलीकॉप्टर सर्विस है बागडोगरा और दार्जिलिंग के बीच में, तो ये 17 मिनट का फ्लाइट हो सकता है, आए वाले टूरिस्ट हम ले आ सकते हैं। या तो आप करशांग और सिलीगुड़ी के बीच में अगर केबल कार करें तो ये नॉन पोल्यूटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेस्ट के हो सकता है ये प्रपोजल। इसके अलावा हमारे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, और GTA के साइड से एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन, प्रस्ताव, ये प्रस्तुतिकरण भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसमें काफ़ी क्रॉप्स हैं, ये मौसम, ये ऑरेंज लेके टर्मरिक, जिंजर, कार्डमम, वेजिटेबल्स वगैरह, इसमें कैसे इन्वेस्ट करके इनको कैसे फार्म टू मार्केट कैसे ले जाएं, तो ये सब बातें हुई है। कैसे हम ये CSR लेके ट्रेनिंग करें 1500-2000 हमारे युवाओं को, जिसमें हेल्थ केयर में, ITO, BPO, IT BPO सेक्टर्स में कैसे इनका मतलब इनको स्किल करें और इनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं। तो ये सब, ये हमारा तो ये कर्तव्य है कि आपको पता है कि मैं 40 साल सरकार, भारत सरकार में रहा हूँ, और काफ़ी मेरे अनुभव के हिसाब से काफ़ी मेरे ग्लोबल लेवल पे कॉन्टैक्ट्स हैं और नेशनल लेवल पे भी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो कैसे ये लीवरेज करें हमारे रीजन के फ़ायदा के लिए, ये मेरा इंटरेस्ट है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली बार एक इतना हाई लेवल यूएस डेलीगेशन आए हैं और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई है, रुचि दिखाई है इस रीजन में, और मुझे पूरी तरह यकीन है कि इसका जो नतीजा है हमारे रीजन के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत ही फायदा होगा। जैसे कि हिंदी रीजन के जैसे सिक्किम हो गया और दार्जिलिंग के लिए क्या लगता है कि आपको किस चीज़ में बूस्टअप करना है इन्वेस्टमेंट? तो हमारे हिली एरियाज़ में रिक्वायरमेंट अलग है प्लेन्स एरिया में से, जिसको पता है। तो हिली एरियाज़ में क्या मतलब आप कर सकते हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जैसे सस्टेनेबल टूरिज्म हो, जैसे मैंने कहा कि हमारे टी गार्डन्स के जो परिवार हैं, वर्कर्स के परिवारों के साथ कैसे काम कर सकते हैं ताकि उनका जो सप्लीमेंटली इनकम हो, जैसे कि कैश क्रॉप्स हैं, टर्मरिक है, जिंजर है, काफ़ी कुछ ये क्रॉप्स हैं, वो डेवलप करके उनको उसमें सहायता देके, ट्रेनिंग देके, उसको उसमें पूरी तरह मतलब मेंटरशिप देके, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स बाय बैक कर सकते हैं, तो ताकि इनको भी इनकम मिले। सोशल फॉरेस्ट्री मैंने कहा, जहाँ पे टी गार्डन में जो पेड़ हैं, अगर एक पॉलिसी हो जहाँ पे पेड़ 7-8 साल में पेड़ कटते हैं, तो ये जब कटने के बाद अगर इसका परसेंटेज वर्कर्स को भी चले जाए तो हमारे वर्कर्स को भी फ़ायदा मिलेगा। आज डार्जिलिंग का चाय इंडस्ट्री भी काफ़ी मतलब परेशानियाँ हैं और इसमें वर्कर्स का बहुत मतलब क्या कहते हैं उनका हालत इतना ठीक नहीं है, तो कैसे इनका मतलब स्थिति बढ़ाया जाए, कैसे इनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मतलब मुद्दा है। सर सेम क्वेश्चन सर, दार्जिलिंग को छोड़ा बोले मतलब दार्जिलिंग सोयल साइंस बोल सकते हैं आपको, जब आप बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे इन फ्यूचर में, मैंने सुनने में आया था हम लोग को कि महीने में कुछ कार्यक्रम है बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ, आप लोग कुछ कार्यक्रम चला, लेकिन गूगल के साथ भी अपना अच्छा रिलेशन है आपका, गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आपके साथ उनके सुंदर पिचाई के साथ इतना अच्छा रिलेशन है, उस रिलेशन को दार्जिलिंग को जो सोयल साइंस हिसाब से गूगल को आप क्यों ना यहाँ पे दार्जिलिंग के लिए इंटरेस्टेड करा रहा है सर, इन प्लानिंग इन फ्यूचर सर कुछ